ये हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं कि हम जो खाद दिए हैं, खाद का असर आपको किस तरीके का किया। इसको आप भी ये खाद को देखिए, दे करके आपको अवश्य ही फायदा करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपको आज बताने जा रहे हैं गेंदा फूल के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पाएंगे। दोस्तों, गेंदा का जो पौधा है हम लगा देते हैं, लगाने के बाद थोड़ा हमको गाछ लगने का इंतज़ार रहता है। गाछ जैसे हमारा जड़ नीचे पकड़ लेगा, उसके बाद हमको फर्टिलाइज़र करना पड़ता है। फर्टिलाइज़र हम ऐसा दें, ज़्यादा हम रासायनिक हटा देते हैं तो भी नुकसान कर सकता है। हमको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, गोबर को, हम कच्चा गोबर को 15 दिन पानी के अंदर 5 किलो गोबर लेंगे, कच्चा गोबर, और लगभग 20 लीटर पानी लेंगे, उसमें 15 दिन हम सड़ाएंगे। और उसके बाद नीम का जो खली होता है, यानी कि नीम केक, उसको हम 8 दिन तक पानी के अंदर 2 किलो नीम का केक लेंगे, 10 लीटर पानी लेंगे, उसमें हम 8 दिन तक सड़ाएंगे। दोस्तों, नीम केक बहुत अच्छा काम करता है। आपका यदि प्लांट के अंदर में ऐसा कुछ कीड़ा मकोड़ा या मान लीजिए कुछ फंगस मिट्टी के अंदर यदि ऐसा कुछ छुपा हुआ है तो नीम केक से मारा जाएगा। ये जो हम आपको बताएं, गोबर जो सड़ाए हैं उसको हम पानी के अंदर मिला करके 2 मग निकालें, और ये वाला नीम केक है उसको हमको 1 मग लिए, और अंदर भी हमने सेम उसी तरह खाद डालें। और इसके बाद हमको देना है इसके अंदर पोटाश। पोटाश हम लेंगे 1 चम्मच लेंगे, दोनों डब्बे के अंदर में 1-1 चम्मच हम पोटाश डालेंगे। दोस्तों, पोटाश भी बहुत काम का चीज है ये आपको। इसके बाद हम फॉस्फेट दे दिए, फॉस्फेट दोनों डब्बे के अंदर दे दिए हैं, और हम क्या करेंगे, इस दोनों डब्बे को पानी से भर्ती करेंगे और मिलाएंगे। ये देखिए, हमको फर्टिलाइजर करने के पहले इसको हमको मिट्टी को अच्छा से कोड़ने पड़ता है। मिट्टी को कोड़ करके आप सुखाइए, बांस का सीख लेकर कोड़िए, नहीं तो जड़ टूटने का डर रहता है, दूसरे सिस्टम नहीं कोड़ सकते हैं। आप वो आज यदि कोड़ना है तो कल आप पानी नहीं दें, आज सुबह को इसको कोड़ दें, और कल जो है नेक्स्ट दिन में खाद दें सूख जाने के बाद। इसको खाद देने का तरीका देखिए कैसे हम देंगे। यहाँ पर डब्बा का हम ला करके भर करके, जैसे आपको बताएं वहाँ लिया करके एक काठे के सहारा चला दिए, और हम दे रहे हैं एक पौधे के अंदर लगभग 150 ग्राम, यदि बड़ा पॉट है तो 200 ग्राम तक दे सकते हैं। खाद उतना ही दें जितना मिट्टी टान लें, ज़्यादा नहीं देना है। दोस्तों,
खाद देने के बाद आपको डब्बा से जो झारी पानी वाला जो होता है डब्बा, उससे इसको फूल के ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए, इसको धुलाई करने पड़ता है, धो देना है, क्योंकि जो इसका जो खाद का जो छिट्टा गया यदि बाई चांस पत्ता के ऊपर, वो सब धुलाई हो जाएगा। खाद जब कभी भी दें, मिट्टी को कोड़ करके सुखा करके अच्छे से तभी दें, जिससे मिट्टी जो है खाद को अच्छा से सोखे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।